मैं तो हैरान हूं, मेरे यहां गुजरात में शायद उड़ीसा का कोई ऐसा ब्लॉक नहीं होगा वहां के लोग गुजरात में आकर के रोजी रोटी न कमाते हो। जो प्रदेश इतना समृद्ध है उस प्रदेश को ऐसे बर्बाद करने वाले लोगों को ये चुनाव तो सजा करने के लिए चुनाव है उन लोगों को। भाई और बहनों, बीजेडी सरकार कैसे काम करती है इसका कच्चा चिट्ठा अब जनता के सामने आ रहा है। जब से मोदी सरकार बनी है तब से ओडिशा के विकास के लिए मैंने रिकॉर्ड पैसा दिल्ली से भेजा है। पहले टैक्स का जितना पैसा केंद्र सरकार से उड़ीसा को आता था, मोदी ने उससे 3 गुना ज्यादा पैसा उड़ीसा को दिया है। कांग्रेस की सरकार के दौरान जब पुरानी खनन नीति थी तब उड़ीसा को करीब 5,000 करोड़ रुपया मिलते थे। मोदी ने नई खनन नीति बनाई, आज ओडिशा को खनन से ही लगभग 50,000 करोड़ रुपए की आय हो रही है। अब आप सोचिए, कांग्रेस के जमाने में 5,000 करोड़, मोदी के जमाने में 50,000 करोड़ रुपया यहां मिलता है। इसके अतिरिक्त डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के तहत भी ओडिशा को 26,000 करोड़ रुपए से अधिक मिल चुके हैं। यानी मोदी सरकार यहां पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा पैसे भेज रही है। लेकिन उड़ीसा में बीजेडी की भ्रष्ट सरकार इस पैसा का गोलमाल कर रही है। मैं उड़ीसा के करीब करीब हर जिले में जा चुका हूं। यहां सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, हर चीज का अभाव है। तो ये पैसा किसकी जेब में गया? जदि आपणको आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।